सजा काट रहे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने आज बताया है कि बीजेपी उनसे क्यों डरती है। लालू प्रसाद यादव ने द क्विंट में छपे एक आर्टिकल लालू प्रसाद यादव से आखिर बीजेपी इतना क्यों डरती है का जवाब दिया है। लालू यादव ने खबर का लिंक शेयर करते हुए ट्वीट किया है और लिखा है कि क्योंकि मैं इनके दुष्प्रचार, लालच, प्रतिशोध, प्रताड़ना और किसी प्रकार की ब्लैकमेलिंग से नहीं डरता, क्योंकि इनकी जातिवादी, नफरतवादी, संविधान व इंसान विरोधी जहरीली राजनीति का सबसे मुखर विरोधी हूँ। सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकता, चाहे क्यों न फांसी हो जाए। बता दें कि द क्विंट हिंदी में छपे इस आलेख में लिखा है कि लालू यादव ने कैसे बीजेपी के नफरत और दंगे वाली राजनीति को रोका है। इसी का हवाला देते हुए लालू यादव ने यह ट्वीट किया है। हालांकि आरजेडी सुप्रीमो चारा घोटाला मामले में सजा याफ्ता होने के बाद से बीमार चल रहे हैं। उनका इलाज फिलहाल रिम्स में चल रहा है, जहां डॉक्टरों की स्पेशल टीम लालू प्रसाद के स्वास्थ्य पर लगातार नजर बनाए हुए है। इससे पहले IRCTC मामले को लेकर छुट्टी पर भेजे गए CBI निदेशक आलोक वर्मा ने भी बड़ा खुलासा किया है। CVC को भेजी अपनी प्रतिक्रिया में उन्होंने आरोप लगाया है कि CBI के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना, बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी और PMO के एक अधिकारी ने मिलकर RJD प्रमुख लालू यादव को इस मामले में फंसाया है। इधर लालू प्रसाद के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव जारी है। लालू प्रसाद का शुगर बुधवार को फिर से बढ़ गया। मंगलवार को जहां लालू का डायबिटीज 120 था, वहीं बढ़कर 140 हो गया है। चिकित्सकों द्वारा लालू को 3 बार इंसुलिन का डोज दिया जा रहा है ताकि डायबिटीज कंट्रोल रहे। इसके बावजूद लालू के डायबिटीज में बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। लालू के खान पान को लेकर भी विशेष सलाह दी गई है। प्रोटीन युक्त मांसाहारी भोजन खाने से परहेज करने को कहा गया है। डॉक्टर उमेश प्रसाद ने बताया है कि लालू के दाएं पैर के पीछे घाव में सुधार देखने को मिला है। फिलहाल टोटल काउंट लालू का ज्यादा है, जिसे नियंत्रित करने के लिए एंटीबायोटिक दवा दी जा रही है। एक बार फिर गुरुवार को जाँच के लिए लालू का ब्लड सैंपल लिया जाएगा, जिसमें लालू का सीरम, क्रिएटिनिन, टोटल काउंट सहित अन्य जांच होगी। बिफोर प्रिंट की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।